दोस्तों आज हम लोग इलेक्ट्रिक दिया बनाएंगे जो कि मोबाइल की बैटरी तथा मोबाइल के चार्जर से जलेगा। इससे पहले भी मैंने एक इलेक्ट्रिक दिया बनाया था, लेकिन उसमें मैंने झालर की लड़ी का प्रयोग किया था और वो इलेक्ट्रिक दिया हमारे घर की बिजली से डायरेक्ट जलता है। तो उस वीडियो में चार पाँच भाइयों ने कमेंट किया है कि मोबाइल के चार्जर या फिर मोबाइल के बैटरी से जलने वाला इलेक्ट्रिक दिया बनाकर दिखाने का। तो चलिए देख लेते हैं कि मोबाइल के चार्जर या मोबाइल की बैटरी से जलने वाला इलेक्ट्रिक दिया बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर पे हमें इस तरह के मिट्टी का दिया का ज़रूरत पड़ेगा। आपको जितने दियों का इलेक्ट्रिक दिया बनाना है उतना मिट्टी का दिया चाहिए। एक मोबाइल के चार्जर या मोबाइल की बैटरी से लगभग 50 LED जला सकते हैं, यानी आप 50 इलेक्ट्रिक दिया को एक साथ बनाकर अपनी मोबाइल की बैटरी या फिर मोबाइल के चार्जर से जला सकते हैं। जो तरीका मैं आप लोगों को इन 5 दियों में बनाकर दिखाऊंगा, सेम इसी तरीके से आप लोग 50 से 60 दियों को भी बनाकर चला सकते हैं। और इन दियों में मैंने पहले ही इस पेचकस की मदद से देखिए छेद कर लिया है, 2 छेद इधर किया है और 2 छेद इधर किया है। यदि बड़ा छेद रहेगा तो एक ही छेद से काम चल जाएगा। यदि आपके पास ड्रिल मशीन है तो आप ड्रिल मशीन से बड़ी आसानी से और कम समय में इसमें छेद कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप दियों में छेद करें तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि इन दियों में छेद करने के लिए आप बाहर से छेद ना करें। बाहर से छेद करने में दिक्कत क्या है, चाहे ड्रिल मशीन हो या फिर पेचकस हो, यदि यहाँ से फिसल गया तो सीधे हाथों में लग सकता है। इसलिए जब भी आप दियों में छेद करें तो आप इस तरीके से अंदर से छेद करें, यहाँ अंदर में लगाएं और इस तरीके से घुमाकर इसमें छेद कर दें। तो मैंने यहाँ पर 5 दियों में सेम उसी तरीके से छेद करके पहले से ही रख लिया है। उसके बाद इस तरह के कुछ ग्लू स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ये ग्लू स्टिक आधा ही है, ये ग्लू स्टिक थोड़ा लंबा आता है, इतना लंबा। तो आपको इस तरह का ग्लू स्टिक लेना है और इसमें से लगभग 1.5 इंच टुकड़ा काट लेना है। जितना भी दिया आपको बनाना है उतना टुकड़ा, 1.5 इंच का टुकड़ा काट लीजिए। हालांकि मैंने आप लोगों का समय बचाने के लिए पहले से ही ये टुकड़ा काट कर रख लिया है। देखिए 5 दिया है तो मैंने 5 टुकड़ा काट लिया है। उसके बाद जितना दिया आपको बनाना है उतना आपको पीले कलर की LED बल्ब चाहिए। ये 5 mm की पीले कलर की LED बल्ब है जो कि हमारे मोबाइल की बैटरी या मोबाइल के चार्जर से जलता है। लेकिन इन LED को मोबाइल के चार्जर से जलाने के लिए हमें इनमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। यह है 100 ओम का रेजिस्टेंस। हर एक LED में एक एक रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि वो LED लंबे समय तक चलती रहे, जल्दी फ्यूज ना हो। यदि आप इस रेजिस्टेंस को इस तरह से परचेज करते हैं पूरा लच्छे में, तो आपको एक रेजिस्टेंस लगभग 50 पैसे का पड़ेगा। उसके बाद हमें इस तरह के कुछ वायर की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पहले से ही लगभग 1-1 फीट का टुकड़ा काटा है, क्योंकि मुझे एक दिए से दूसरे दिए की दूरी लगभग 1 फीट रखना है। यदि आप 1 फीट के बजाय 1.5 फीट पर रखना चाहते हैं तो आप 1.5 फीट का टुकड़ा काट लीजिए। जब ये दिया बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इन दियों को जलाने के लिए हमें एक डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी। यह है मेरे मोबाइल चार्जर का डेटा केबल, जिसका आगे वाला हिस्सा ख़राब हो गया था, तो मैंने इसके आगे वाले हिस्से को यहाँ से काट दिया है। और आगे वाला हिस्सा काटने के बाद इसमें से 4 वायर निकला था। ये रेड वाला प्लस है, ब्लैक वाला माइनस है, और इसमें 2 वायर और निकला था, देखिए यहाँ पे है, जो कि डेटा ट्रांसफ़र का है। तो मैंने इसे काट कर ऐसे ही हटा दिया है। तो हमें मात्र इतने ही सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ग्लू स्टिक का टुकड़ा है इसके आगे वाले हिस्से को हमें इस तरीके से छील कर थोड़ा सा पतला कर लेना है। आपने देखा होगा कि जब दीपक जलता है तो उसके ऊपर में बिल्कुल पतला होता है। देखिए इस तरह से ऊपर वाले हिस्से को छील कर हमें थोड़ा सा पतला कर लेना है। हमें इसे बिल्कुल चिकना नहीं करना है, थोड़ा सा खुरदुरा रहेगा तभी देखने में लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल दिया जल रहा है। उसके बाद ये जितने भी LED हैं सभी LED के
प्लस वाले कांटे में एक एक रेजिस्टेंस लगा देना है। ये रेजिस्टेंस 100 ओम का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाले कांटे को थोड़ा सा काट के छोटा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें रेजिस्टेंस लगा देना है। इसके सिरे को भी इस तरह से बराबर कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमें सभी LED के प्लस वाले कांटे में एक एक रेजिस्टेंस सोल्डिंग कर लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक ग्लू स्टिक लेना है और इस ग्लू स्टिक में सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस तरीके से छेद करना है। देखिए बीचों बीच छेद करना है, इस तरीके से छेद करके उसके बाद ये जो LED है LED को हम इस तरीके से इसमें लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें सभी LED को ग्लू स्टिक में लगा देना है। यदि आपके पास ड्रिल मशीन है तो इस ग्लू स्टिक में आप ड्रिल मशीन से भी छेद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब ये सूख जाए तो इसे हमें इस तरीके से दोनों साइड में देखिए ऐसे मोड़ देना है, लेकिन थोड़ा सा सूखने का इंतज़ार करना है, देखना है कि कौन सा सूख चुका है, उसके बाद उसको जो है मोड़ देना है। एक दिया लेंगे और इस दिया में जो हमने ग्लू स्टिक को छील कर पतला किया था उसका कुछ टुकड़ा बचा हुआ है, तो उस टुकड़ा को हमें इस तरीके से थोड़ा सा इसमें रखना है। इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस टुकड़े को हमें पिघला देना है। यदि आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन को गर्म करके थोड़ा थोड़ा इसमें ग्लू डाल सकते हैं। देखिए दिया को ऐसे लगाना है और LED का जो काटा रहेगा, LED काटा इस तरह से रहेगा, एक इधर, ताकि जब इसमें से हम वायर लाकर इसमें सोल्डिंग करें तो सोल्डिंग आसानी से हो सके। और पहले वाले दिया में हमने रेजिस्टेंस को दिया के इधर पिछले साइड किया है, यानी प्लस वाला हिस्सा इधर है, माइनस वाला काटा देखिए इधर है आगे साइड में। तो सेम इसी तरीके से सभी दिया में करना है। तो जिस तरीके से मैंने इस ग्लू स्टिक को इस दिया में चिपकाया है सेम इसी तरीके से सभी दिया में चिपका लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी दिया में तार जोड़ना है। तो सबसे पहले हम एक दिया लेंगे तो इसके छेद में से हम देखिए इस तरीके से दोनों वायर को अंदर डालेंगे, उसके बाद सोल्डिंग से हम सोल्डिंग कर देंगे। देखिए इस LED के प्लस वाले कांटे तथा माइनस वाले कांटे इन दोनों में हमने वायर जोड़ दिया है। अब फिर से हम एक तार लेंगे और अब की बार इस तरफ से डालेंगे, देखिए इधर से इस तार को भी हम प्लस में प्लस और माइनस में माइनस इस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से जोड़ना है और सेम इसी तरीके से फिर से इस वायर को हम दूसरे दिया में डालेंगे और दिया का डायरेक्शन हम एक तरफ रखेंगे, देखिए इधर आगे है तो इधर भी आगे ही रखेंगे। और इस दिया में भी हम इस तरीके से तार को डालेंगे अंदर और इधर जोड़ देंगे, फिर से एक वायर लेंगे और इधर से डालकर प्लस में प्लस और माइनस माइनस, यानी सभी दियों का हमें पैरेलल कनेक्शन करना है। जबकि इससे पहले जो मैंने झालर की लड़ी से दिया बनाया था उसमें मैंने सीरीज में कनेक्शन किया था, लेकिन इसमें सीरीज में कनेक्शन नहीं करना है, इसमें हमें पैरेलल कनेक्शन करना है। तो इस बात का आपको खास ध्यान देना है। तो देखिए इस तरह से हमने सभी दिया में कनेक्शन कर दिया है। पहला वायर यहाँ पे है, आगे वाले छोर को हमने छोड़ दिया है ताकि इसमें हम मोबाइल की बैटरी का कनेक्शन या फिर मोबाइल के चार्जर का कनेक्शन दे सकें। उसके बाद ये वायर यहाँ पे आया है, पहले दिए में LED के प्लस कांटे में पीला वायर और माइनस कांटे में नीला वायर, और फिर से हम तार को इस तरीके से दूसरे दिए में ले गए और दूसरा दिया में भी
एलईडी के प्लस कांटे में पीला और माइनस कांटे में नीला। और फिर से हम आगे बढ़े हैं तीसरे वाले में, सेम इसी तरीके से चौथे में, पांचवे में। यदि मेरे पास और भी दिया होता तो सेम इसी तरीके से सभी दियों में पैरेलल कनेक्शन कर देते। मोबाइल के बैटरी या फिर मोबाइल के चार्जर से लगभग आप 50 दियों को चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा केबल के प्लस वायर को इस पीले वाले तार में और माइनस वायर को इस काला तार में इस तरीके से जोड़ देंगे। उसके बाद मोबाइल के चार्जर में इस डेटा केबल को हम इस तरीके से लगा देंगे। अब हम इस मोबाइल के चार्जर को बिजली के बोर्ड में लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दिया बनकर पूरी तरह से रेडी है और देखिए ये दिया कितनी अच्छे प्रकार से जल रहा है। हालांकि अभी उजाला है, जब अंधेरा होगा तो ये दिया देखने में बिल्कुल ओरिजिनल दिया की तरह लगेगा। और ये अंदर में वायर दिख रहा है, ये बिल्कुल नज़दीक से देखने में दिखाई दे रहा है, जब कोई दूर से देखेगा तो इसके अंदर का वायर दिखाई नहीं देगा। जब पूरी तरह से अंधेरा होगा तो ये दिया देखने में बिल्कुल ओरिजिनल दिया की तरह लगेगा। अभी हम इन दियों को अपने मोबाइल के चार्जर से जला रहे हैं। आप चाहें तो मोबाइल की बैटरी से भी इन दियों को जला सकते हैं। देखिए अब हम मोबाइल की बैटरी से तार को जोड़ देते हैं। तो देखिए ये है मोबाइल की बैटरी और ये सभी दिए सही प्रकार से जल रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी इस दीपावली में इलेक्ट्रिक दिया बनाकर अपने घर में सजा सकते हैं। चाहे कितना भी आंधी तूफान आए ये कभी बुझेगा नहीं, और आपके घर की लाइट चले जाने पर भी आपके ख़राब मोबाइल के बैटरी से भी ये इलेक्ट्रिक दिया चलते रहेगा। तो ये जुगाड़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।